इस एप्लीकेशन को तैयार करने के लिए हमें जो फर्स्ट स्टेप करना है उसमें हमें लेनी है इनो। मैंने यहाँ पे एक इनो लिया है और आपको इसे पानी में मिक्स करना है। ध्यान रखना है जो हम फर्स्ट स्टेप करने वाले हैं उसे हम पानी में मिक्स करेंगे, सेकंड स्टेप हम वाटर में करेंगे, वो मैं आपको आगे वीडियो में बताऊंगी जब इन प्रोसेस को मैं अपने पैरों पे करने लगूंगी वो तब शेयर करूंगी। जो हमारा थर्ड स्टेप होने वाला है हम अपने पैरों पे स्क्रबिंग करेंगे। तो स्क्रबिंग के लिए मैंने यहाँ पे लिया है अंडे के छिलके का पाउडर, और ये वीडियो मैंने आप लोगों के साथ पहले भी शेयर किया हुआ है कि आप अंडे के छिलके का पाउडर घर पे किस तरीके से बना सकते हैं। तो थर्ड पार्ट हमारा स्क्रबिंग का होने वाला है एंड जो लास्ट स्टेप है हमारा उसमें हम इस्तेमाल करने वाले हैं ऑरेंज पील पाउडर। ऑरेंज पील पाउडर मैंने घर पे किस तरीके से बनाया है इस पे मैंने एक पर्टिकुलर वीडियो बनाया हुआ है तो आप उसे देख सकते हैं। तो अभी सबसे पहले फर्स्ट स्टेप हमें इनो का करना है, इसमें आपको हल्का सा वाटर ऐड करना है और इसकी एक रेमेडी सी मतलब स्मूथ सी रेमेडी प्रिपेयर कर लेनी है। पानी डालने के बाद बबल्स स्टार्ट हो गए हैं इनो में और हमारा ये फर्स्ट स्टेप बन के रेडी है। अब हम इसे अपने पैरों पे अप्लाई करेंगे। काफी दिन से पेडिक्योर नहीं किया है इसीलिए पैरों की रियलिटी मैं आपको दिखा रही हूँ, जो रियलिटी है कोई फिल्टर नहीं है कुछ भी नहीं है, एकदम रियलिटी है। तो आप देख सकते हैं अभी किस तरीके के हो गए हैं। ठीक है, तो आज हम अपना पेडिक्योर करेंगे तो आपको रियलिटी पता चलेगी, इस रेमेडी का जादू पता चलेगा। जो 50 से 60% टैनिंग है वो एक ही बार में ख़त्म हो जाएगी। तो सबसे पहले आपको इनो को अच्छे से अपने पूरे पैरों पर लगा लेना है और इनो को पूरे पैरों पे लगाने के बाद आपको इसे सूखने देना है। जब तक आपका इनो पैरों से सूखेगा तब तक हम अपना थर्ड स्टेप पूरा बना के रेडी कर लेते हैं, क्योंकि इधर ये हमने रखा हुआ है स्क्रब और इधर हमारा ये ऑरेंज पील पाउडर है। तो जो हम स्क्रब तैयार कर रहे हैं वो करना है हमें दही में रेडी, और जो हमारा ऑरेंज पील पाउडर है इसमें मिक्स करनी है आपको मलाई, और दोनों का ही आपको पेस्ट तैयार कर लेना है, इसमें दही मिला के इसमें मलाई मिला के। तो अभी आप देख सकते हैं इनो पूरी तरीके से पैरों पे सूख चुका है और जो पैरों की स्किन है वो भी टाइट होने लग गई है। अब आपको इस प्रोसेस में नेक्स्ट स्टेप करना है, आपको लेना है गर्म पानी। गर्म पानी से मेरा मतलब है कि आपको ल्यूक वार्म वाटर लेना है और धीरे धीरे आपको अपने पैरों की मसाज करनी है, जिस तरीके से मैं मसाज कर रही हूँ इस तरीके से आपको मसाज करनी है। और जो भी आपके पास ब्रश अवेलेबल हो, जो दातुन करते हैं ब्रश करते हैं हम, तो वो वाला ब्रश आपको लेना है और उससे अपने पैरों की सफाई करनी है, अपने नेल्स को क्यूटिकल्स को अच्छे से क्लीन करना है और अपने पैरों पे भी हल्के हाथों से इस ब्रश को रब करना है ताकि जो एक्स्ट्रा गंदगी है वो साफ हो जाए। अब जो हमने थर्ड पार्ट रेडी किया था स्क्रब का, दही और अंडे के छिलके का, आपको उसे अपने पैरों पे अप्लाई करना है। पूरे पैरों पे मास्क की तरह आपको इसे लगा लेना है। लगाने के बाद कम से कम आपको इसे 15 मिनट तक अपने पैरों पे रखना है और 15 मिनट के बाद आपको हल्के हाथों से अपने पूरे पैरों की मसाज करनी है, क्योंकि ये स्क्रब है तो आपको ज़्यादा रगड़घस नहीं मचाना है, बस हल्के हल्के हाथों से आपको पूरे पैरों पे रब करना है। जब आप अपने पैरों को 4 से 5 मिनट तक मसाज दे लें तो 4 से 5 मिनट के बाद आपको ल्यूक वार्म वाटर लेना है और उससे अपने पैरों को साफ करना है। धीरे धीरे इसी तरीके से आप रब करते रहें और धीरे धीरे ये लेप को अपने पैरों से उतारते रहें। अच्छे से आपको अपने पैरों को क्लीन कर लेना है। क्लीन करने के बाद आपको अपने पैरों पे एक लास्ट स्टेप और करना है, और आपको दिख रहा होगा कि जैसे जैसे हम स्टेप कर रहे हैं वैसे ही वैसे हमारी स्किन में चेंज आता जा रहा है।
यहाँ पे सिर्फ गोरा होने से मतलब नहीं है कि हमने रेमेडी को लगाया और हम एकदम सफ़ेद चिट निकल गए, जी नहीं। यहाँ पे स्किन टोन की बात है कि हमारे पैर और हाथों का कलर भी ऐसा ही हो जैसे हमारे फेस का कलर है, हमारी स्किन एकदम भूरी चिट्टी ना दिखे, हमारी स्किन लाइटन और ब्राइटन हो जाए, जैसा हमारा फेस का कलर है वैसा ही हमारे हाथ पैरों का कलर हो जाए, हमें बस इतना चाहिए। फोर्थ एप्लीकेशन को अपने पैरों पर लगाने के बाद इसे भी आपको 15 से 20 मिनट अपने पैरों पर रखना है और 15 से 20 मिनट के बाद आपको एक हाफ लेमन लेना है और धीरे धीरे आपको उस हाफ लेमन से अपने पैरों की मसाज करनी है। जो भी एक्स्ट्रा डस्ट होगी, जो बची हुई होगी, जो टैनिंग होगी, जो जितनी टैनिंग हमारे पैरों पे जमी हुई है, ये उसे दूर करने में हेल्प करेगा। देखिए चारों स्टेप करने के बाद अब मेरे पैरों का आप कलर देखिए कितना चेंज कलर है, कितनी लाइट शेड एक ही बार यूज़ करने से हो गई है। जो जितनी भी एक्स्ट्रा जिद्दी टैनिंग थी वो रिमूव हो गई है एक ही बार में और मेरे पैरों की स्किन कितनी शाइन कर रही है एक ही बार लगाने से। अब आप जो भी चाहें अपनी पसंदीदा नेल पेंट अपने पैरों पे यूज़ कर सकते हैं। एंड सबसे लास्ट में इस एप्लीकेशन को करने के बाद आप चाहें तो गोले का तेल भी अपने पैरों पे लगा सकते हैं या फिर कोई भी लोशन आप अपने अकॉर्डिंग अपने पैरों पे लगा सकते हैं। तो फाइनली मेरी ये एप्लीकेशन कंप्लीट होती है। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, बाय बाय।